Good morning, class. Today we will study chapter number 5, Ruby the Robot. अच्छा रूबी का नाम, रोबोट का नाम क्या है? रूबी. रोबोट क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? रोबोट किसे बोलते हैं? रोबोट वो होता है जो एक मशीन होती है जो ऑटोमेटिकली वर्क करती है. सी, नीनास फादर वॉज अ साइंटिस्ट. He made a huge robot for Nina. Nina named the robot Ruby. Nina के जो father है वो scientist है और उन्होंने Nina के लिए एक बहुत बड़ा robot बनाया और Nina ने उस robot का नाम क्या दिया? Ruby. Ruby was like a big doll. She was as tall as Nina. और रूबी कैसे दिखती थी? जो रोबोट थी वो एकदम नीना के जैसे दिखती थी और नीना के जितने ही लंबी थी. She had a shiny grey face. She had two pretty eyes that were little like stars. और उसकी दो, उसका फेस कैसा था? ग्रे कलर का. और उसकी जो आईज क्या थी? उसके पास टू प्रिटी, जैसे हम लोगों के पास दो आईज है ना, वैसे उसके पास भी दो आई थी और वो ऐसा लगता था कि एकदम स्टार्स के जैसी है. She had short curly black hair just like Nina. और उसके हेयर, बाल कैसे थे? छोटे थे और कर्ली ब्लैक हेयर थे. She wore a red t-shirt and blue skirt. Nina's mother made cloth for Ruby. और वो क्या पहनी है? देखो आप लोग बुक में देखना, पेज नंबर 39 में नीना जो है, सॉरी रूबी जो रोबोट है, वो रेड कलर की टी शर्ट और ब्लू कलर का स्कर्ट पहनी है. और उसके लिए कपड़े कौन बनाता था रूबी द रोबोट के लिए? नीना की मदर. रूबी वोर ब्लैक शूज. आप लोग पिक्चर में देखो रूबी ब्लैक शूज भी पहनी है. एवरी मॉर्निंग नीना प्रेस्ड अ बटन बिहाइंड रूबीज हेड. आप लोगों को पता है रोबोट के हेड के पास एक बटन होती है, वैसे ही नीना भी रोबोट जो रूबी रोबोट थी उसके हेड के पास एक बटन थी, वो हर सुबह उसको दबाती थी. रूबी आईज ओपन एंड टू लिटिल लाइट्स केम ऑन. रूबी स्माइल एंड सेड गुड मॉर्निंग नीना. जैसे वो बटन ऑन करती थी नीना, उसकी आईज ओपन होती थी और वो रूबी क्या बोलती थी? गुड मॉर्निंग नीना. Nina went back to bed. Nina was a lazy child. फिर क्या होता था? Nina वापस जाके सो जाती थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत lazy बच्ची थी. Lazy मतलब आलसी. She wanted Ruby to do everything for her. और Nina चाहती थी कि जो Ruby robot है वो उसके लिए सब चीज कर दे. Every morning Nina said, Ruby, take my uniform out of the cupboard. Ruby took Nina's uniform out of the cupboard. Ruby, pack my school bag, said Nina. Ruby packed Nina's school bag. और नीना क्या चाहती थी कि रूबी उसके सारे काम कर दे. तो वो जैसे ही उठती थी क्या बोलती थी कि मेरा यूनिफॉर्म निकालो कबर्ड से, मेरा स्कूल बैग पैक करो. और जैसे जैसे नीना उसको इंस्ट्रक्शंस देती थी रूबी सारे काम कर देती थी. रूबी मेड नीनास बेड. नीना डिड नथिंग, रूबी डिड एवरीथिंग फॉर हर. नीना फिर कुछ भी काम नहीं करती थी, रूबी उसके लिए सारे काम करती थी. नीना केम होम फ्रॉम स्कूल एट 3 PM एवरी आफ्टरनून. शी थ्रू हर बैग ऑन द ग्राउंड. रूबी पुट द बैग ऑन द टेबल. नीना फिर 3 बजे, दिन में 3 बजे स्कूल से वापस आती थी. आती क्या करती थी? अपना स्कूल बैग जमीन में फेंक देती थी और नीना को, सॉरी रूबी को ऑर्डर देती थी कि रूबी मेरा बैग उठा के रख दो. शी पुट्स नीनास शू इन द शू रैक. रूबी पिक्ड अप नीनास क्लॉथ. नीना अपना सारा सामान इधर उधर फेंक देती थी और जो रूबी रोबोट थी उसके सारे सामान को सेट करके रखती थी. She puts Nina's shoes in the shoe rack. Ruby picked up Nina's cloth. She kept them in the cupboard. One morning, Nina woke up late. एक सुबह नीना लेट उठी. She ran to Ruby. She pressed the button behind Ruby's head. Ruby's eyes didn't open. और वो उठते ही सबसे पहले रूबी के पास भागी और उसके जो हेड के पास बटन थी वो दबाई, लेकिन उसको दबाने से रूबी की आंख ओपन नहीं हुई. रूबी ने अपनी आंखें नहीं खोली. द लिटिल लाइट डिडेंट कम ऑन. और छोटी जो लाइट आती थी वो भी बाहर नहीं आई. रूबी डिडेंट से गुड मॉर्निंग. रूबी गुड मॉर्निंग भी नहीं बोली. वेक अप रूबी, सेड नीना. कि नीना क्या बोलती? उठो रूबी, आई एम लेट. वेयर इज माई यूनिफॉर्म? वेयर आर माई शूज? रूबी डिडेंट वेक अप.
Her eyes didn't shine. She didn't smile. रूबी लेकिन नहीं उठी। नीना उसको बहुत बोली, उठो मैं लेट हो गई हूँ, मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है, मेरा शूज़ कहाँ है। लेकिन रूबी नहीं उठी, ना ही उसकी आंखें खुली और ना ही वो हंसी। She stood still. नीना sat on her bed. She started crying. वो एकदम जो रूबी थी वो ऐसी खड़ी थी, वो कुछ भी एक्शन नहीं कर रही थी। फिर नीना अपने बेड पे बैठ जाती और रोना लगती है। डैडी हियर नीना क्राइंग, ही केम इन टू द रूम। वाई आर यू क्राइंग, वॉट हैज हैपन नीना, ही सेड। फिर डैडी ने नीना के रोने की आवाज़ सुनी और वो उनके रूम में आए, नीना के रूम में आए और डैडी पूछे, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है। रूबी इज नॉट रिस्पोंडिंग डैडी, सेड नीना। फिर नीना ने अपना क्यों रो रही थी बताया, क्यों रो रही थी नीना, क्योंकि रूबी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। There is a switch on her back, Nina said dad. I turned it off last night. But why did you do that, daddy said Nina. फिर जो उसके डैडी थे वो बोले कि there is a switch on her back. उसके बैक में एक स्विच है नीना, मैंने उसे कल रात को बंद कर दिया था। तो नीना क्या बोलती है, लेकिन डैडी आपने ऐसा क्यों किया। You have to learn how to do your work, Nina. Get up. Get ready, go to school, said daddy. बोले नीना आप तुमको अपना काम खुद करना सीखना चाहिए, उठो रेडी हो और स्कूल जाओ। क्योंकि नीना के डैडी ऐसा क्यों किए थे, क्योंकि नीना अपने से खुद से कुछ भी काम नहीं करती थी, वो सब चीज़ रूबी से करवाती थी। I promise to do my work myself. Please turn the switch behind her back to on, said Nina. फिर नीना अपने डैडी को क्या बोलती है, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं अपने सारे काम खुद करूँगी, प्लीज़ उसका जो स्विच आपने बंद किया है बैक में उसे चालू कर दीजिए। शी इज़ सो नाइस, वो बहुत अच्छी है। शी इज़ अ वॉकिंग टॉकिंग डॉल, बोले वो एक चलने बोलने वाली डॉल है। रूबी स्माइल्स एट मी एवरी डे, शी इज़ माई फ्रेंड, बोले रूबी मेरे तो स्माइल करते हैं, वो मेरी दोस्त है, प्लीज़ आप उसको उसकी बैक की बटन स्टार्ट कर दीजिए। Daddy turned the switch behind Ruby's back on again. Nina learned a lesson. फिर डैडी ने उसका स्विच ऑन कर दिया, इससे नीना को एक लेसन मिला कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। थैंक यू।